सरकार की हठ धर्मिता और अहंकार के कारण 700 से ज्यादा किसानों के घर के बुझे दीपक। दीपावली के दिन किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा शहीद हुए किसानों की स्मृति में दीप जलाकर दी उन्हें श्रद्धांजलि। काले कानून रद्द होंगे तभी मनेगी असली दिवाली। संतोष सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज। संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम के अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि गुरुग्राम में किसान धरना स्थल पर दीपावली के दिन किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा शहीद हुए किसानों की याद में दीप जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के कारण 700 से ज्यादा किसानों के घर के दीपक बुझ गए। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों ने किसान मजदूर गरीब व आम आदमी की लड़ाई लड़ते हुए वे अपनी फसलों और नस्लों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। उन्होंने सरकार द्वारा खेत खलियान को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने से बचाने के लिए ये आंदोलन किया है। इस अवसर पर सभी किसानों ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि किसान मजदूर गरीब व आम आदमी की दीपावली तभी मनेगी जब तीनों काले कानून रद्द किए जाएंगे और MSP की गारंटी का कानून बनेगा। कार्यक्रम में अनिल पवार, बलवान सिंह दहिया रिटायर्ड विंग कमांडर, MS मलिक, योगेश्वर दहिया, पंजाब सिंह, फूल कुमार, रमेश दलाल, बलवान सिंह, मनीष मक्कड़, जगमाल मलिक, मनोज झाड़सा, सरताज, आकाशदीप, रणजे सिंह, रिटायर्ड कमांडेंट सत्यवीर सिंह तथा अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं इस मौके पर गुरुग्राम किसान मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सिंह ने क्या कहा। हठ धर्मिता और अहंकार के कारण किसान आंदोलन में अब तक 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। आज दीपावली के दिन उन सभी किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी स्मृति में दीप जलाए गए हैं। किसान मजदूर गरीब आम आदमी की दीपावली तभी मनेगी जब तीनों काले कानून रद्द हो जाएंगे और MSP की गारंटी का कानून बनेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो।